ग्रेप सूप है। लो आगे कुछ चीज़ें बोला, बहुत सारी चीज़ आ गई बाबा आगे। इसका बस करे तो ये वेटर है ना, होते ना पार्टी वाले, उनको भी नोच नोच के खाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। भैया सर्दी आ चुकी है और हम लोगों ने हर तरह की चीजें कवर कर रहे हैं जो कि सर्दियों से रिलेटेड होती है। वैसे तो खाना तो पूरे साल ही खाया जाता है, बट कुछ सर्दियों के स्पेशल खाने होते हैं ना, इसी तरह सर्दियों में एक स्पेशल चीज होती है जो आपको हर जगह पे कार्ट में नजर आएगी, वो होता है सूप। तो हम सूप को कैसे मिस कर सकते थे, तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं भाई हैदरी का मशहूर है जमाना जो चिकन कॉर्न सूप होता है उसको कवर करने के लिए। हम लोग इंजॉय करेंगे सूप को, आप इंजॉय करें ब्लॉग को। चलो जी देखो, अब हसन ये टेस्ट करके बताएगा कैसे। मजेदार है, भेलपुरी भाई इनकी एंड है, मैंने खाई है बहुत। ये चाट का हाल किया, लेट हो गया आप लोग, लेट हो गया, खत्म हो गया। नहीं नहीं है, है सूप बनवा लो बाबा। हाँ मुबीन, क्या सीन है? मजेदार, चलो तो अच्छी सी मजेदार लगती है भाई। चलो भाई अब ये सूप का ऑर्डर दे रहे हैं भाई। ये भी है यार, ये बंदा जो है ना कब से देख रहा था सूप बन गए। सूप के ऑर्डर किए हम लोगों ने, मशहूर है जमाना है जी का, बस हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अगर थोड़ा सा लेट होता ना तो सूप खत्म हो गया। अंडा चिकन पापड़ी, अंडा चिकन पापड़ी, पापड़ी माशाल्लाह। अच्छा मुनी भाई बताएं ये सूप क्या है, लोग पागल हुए हैं पूरे आपका सूप ही भाई बहुत बेहतरीन था। सूप तो आ गया मगर यहाँ पे उसकी सेल्फ सर्विस, दूसरे जो लवाजमा आते हैं वो हमें अलग से डाल देते हैं। आओ मैं आपको बताऊं कहाँ से लेंगे, ये इनकी डिफरेंट चटनियाँ भाई। अच्छा हमें तो बताइएगा। हाँ ग्रीन अच्छा रुकिए देख ओए होए बाहर वाली डाल दी, अब मेरे खाते बहुत है। ये गार्लिक है, गार्लिक डालो सारा, गार्लिक सारा डाल दो। ग्रीन सॉस, इसके बाद रेड चिली सॉस। रेड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये खट्टा वाला होता है, खट्टा वाला है, खटास थोड़ी होनी चाहिए। आसिफ ये चेक तो करो, क्या थिक थिक सूप है। ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो भैया ये देखिए सूप आ गया हमारे हाथ में, एक तो खैर हसन का सूप है, अभी हसन कैमरे पे। दूसरा ये कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग बैठे हुए कहाँ हैं, तो मसला ये है कि देखो यहाँ पे रश इतना होता है और हम लोग थोड़ा सा लेट निकल के आए क्योंकि रश थोड़ा सा कम हो और बिल्कुल ख़त्म का टाइम होता है, शुक्र है टाइम पे पहुंच गया वरना तो ये सूप खत्म हो जाता। तो हम इसी वजह से सेंटर में बैठे हुए और अभी सूप के मज़े लेने लगे हैं। बाकी बाबा भी अपना सूप लेकर आ रहे हैं, आशी भी लेकर आ रहा है। भैया ये सूप तो हम बचपन से ही मतलब जब से ये मशहूर है हम आके ट्राई करते रहे, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है यहाँ पे वो अंकल आंटी है जो पूरी फैमिली मिलके जो सर्व करती है ना, और पूरे साल ये लोग जो है ना ये सूप लगा रहता है और इसी तरह चलता है। और सर्दियों में ऑब्वियसली एक सौगात होता है, सर्दियों में ज़्यादा रश होता है, तो भाई ये मिल बाट के ही ये पूरा टेस्ट आता है इस सूप में। वरना तो सूप की दुकानें आपको बहुत सारी मिलेंगी मगर हैदरी का जो सूप है ना ये काफ़ी कराची में मशहूर है। तो अभी हम सूप पीने लगे। आसिफ भाई पकड़ो ज़रा, आसिफ भाई की मेरा सूप अब ठंडा होने वाला था। ओए हो ये देखो मैंने पूरा मिक्स कर लिया, इसके अंदर है पापड़ी और अंडा। बिस्मिल्लाह जबरदस्त भाई,
अभी उनका ख़त्म होने वाला है। बाबा तो अपनी वहीं दुकान लगा के बैठे हैं। अपना बताओ, अपना बताओ, बाबा को छोड़ अपना बताओ। सूप कैसा लगा है? तो पैसा आप दोगे इसके? आज नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, रिस्क मुंह में, झूठ नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, आसिफ, आसिफ जो है आज वो बोल रहा है कि मैं जो है ना पूरा व्लॉग शूट करूंगा तो मुझे वीडियो में नहीं लेना, ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, लो आगा, कुछ चीज़ें बोला, बहुत सारी चीज़ आ गई, बाबा आ गए। बाबा जी वहीं से आपने पूरा सूप निपटा दिया तो ब्लॉग में क्या बोलेंगे आप? इतनी सारी भेलपूरियाँ खा के, इतनी सारी तुम चाट खा के, और अभी हमें जाना एक चाट खाई, एक 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 अच्छी सी भेलपूरी नहीं जगह, चाट खाई और एक नहीं डेढ़ खाई। हाँ तो उसके बाद तुम अभी खाना खाने भी आओ। छीन ली एंड में सारा चाटना, मना नहीं करता। अच्छा जी, सूप एक ऐसी चीज़ है जो कि फौरन जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इसका इतना शायद बड़ा आपको ब्लॉग नहीं मिलेगा। हम तो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, आपने भी यकीनन कहीं ना कहीं नाम सुना होगा हैदरी का सूप, हैदरी का सूप। और लोकेशन बहुत आसान है, हैदरी है, किसी से भी पूछ लें, यहाँ पे कोई चिचील कौवा भी उड़ रहा होगा उससे पूछ लें तो वो भी आपको यहीं पे लेकर आएगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बड़ा पॉकेट फ्रेंडली है ये सूप अगर एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ये पॉकेट फ्रेंडली है। और जो क्वालिटी है, मैं जब से पी रहा हूँ इन्होंने क्वालिटी वही रखी हुई है। इसके अंदर चिकन की मकदार हो, अंडा डलवा ले या पापड़ी हो, और इनके बाद भेलपूरी का भी आइटम है, और जो इसके अंदर जो टेस्ट आ रहा है बाकी का ऊपर के लवाजमात का, वो आपने खुद बनाना है, क्योंकि सेल्फ सर्विस है, अपनी मर्जी से आपने जो सॉस डालना डालें। मैंने इसमें स्पाइसी सॉस डाला था, रेड वाला और ग्रीन वाला सॉस डाला था, बाकी शफीक भाई ने तो सभी डाल दिया क्योंकि उनको पता चला ये फ्री है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। शफीक जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी चीज़ नहीं छोड़, वक्त ना कॉम्प्लीमेंट्री है तो समझ लो मेरे लिए। ना सूप पीने वाले बंदे, तुम्हें कैसा लगा? मेरे लिए मैं यखनी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मगर ये चाट वगैरह कैसी लगी? हाँ तो बिल्कुल मौसम सजेशन अच्छी थी। मैंने तो पहली बार खाई है भेलपूरी, मैंने कभी नहीं खाई थी, बहुत मजे की, लिटरली ट्राई करनी चाहिए जो भी आए यहाँ पे। तो भेलपूरी भी साथ साथ भाई, ये मैंने सजेस्ट की थी इसको, तो सजेशन अच्छी है, मज़ा आया। डिफरेंट उसके अंदर सॉसेज होती हैं, और सॉसेज के साथ उसका स्पाइसी चना चाट खाओ, यहाँ पर भेलपूरी भी खाओ, चना चाट खाओ, मज़ेदार है, पॉकेट फ्रेंडली है। और ये देखो, एक बंदे को देखो, वो सुधरेगा नहीं कभी। मना नहीं करेंगे ना ये? पापड़ी, ओहो मजेदार। मैंने छोड़ो देने दो, तुम कुछ नहीं बोलो। आई होप कि यार बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है भाई, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने सोचा कि भाई सूप पे भी ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि सर्दी है, फिश के भी आपने ब्लॉग देख ली, बारबेक्यू के भी देख ली, तो सूप का भी होना चाहिए। मैं आगे कोशिश करता हूँ कोई यखनी वखनी का कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो उसका भी आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। देखें बहुत सारी चीज़ें हम लोग रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खाली एक्सपीरियंस के लिए दिखाते हैं कि बहुत सारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे होते हैं वो ज़रा देखते हैं अपने शहर को, दोबारा से यादें ताज़ा होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लॉग बनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। तब तक मिलते हैं किसी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।